हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ग्राम मोलिकुलर मास के बारे में। सो ग्राम मोलिकुलर मास को अच्छे से समझने के लिए अपने को पहले ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पता होना चाहिए। सो गाइस, अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट है तो या तो आप अपने नोट्स रेफर करें या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ग्राम एटॉमिक मास का वीडियो के लिंक पे क्लिक करके उसको एक बार देखें। उसके बाद में ग्राम मोलिकुलर मास को समझना बहुत आसान होगा। सो गाइस, अपन ग्राम मोलिकुलर मास की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन है, इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिक्यूल्स इन ग्राम्स। सो ग्राम मोलिकुलर मास, इस टाइटल से अपने को पता लग रहा है कि अपन मास की बात करेंगे मोलिक्यूल्स की, और वो भी ग्राम्स में। अब क्वेश्चन ये है कि अपन कितने मोलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं, तो वो अपने को पता लगेगा इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अपने को वन मोल मोलिक्यूल्स का मास बताना है ग्राम्स में, वही उन मोलिक्यूल्स का ग्राम मोलिकुलर मास बोला जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, H2O एक मोलिक्यूल है, वाटर का मोलिक्यूल है। CO2 एक अनदर मोलिक्यूल है। इनके लिए अगर अपन ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना चाहें तो उसका प्रोसेस क्या होगा वो अपन जानना चाहेंगे। सो गाइस, सबसे पहले अपन H2O के एक मॉलिक्यूल का मास पता लगाते हैं। सो अपन लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल। अपने को H2O मॉलिक्यूल, जो कि सिंगल H2O मॉलिक्यूल है, उसका मास अपने को पता लगाना होगा। तो अपन क्लियरली देख सकते हैं कि एक H2O के मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। सो गाइस, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम का अपन टोटल मास पता कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो अपने को एक H2 के मॉलिक्यूल का मास पता लगेगा। अपने को पता है कि जो हाइड्रोजन है उसके एक एटम का मास होता है 1 AMU, और जो ऑक्सीजन है उसके एक एटम का मास होता है 16 AMU। सो दो हाइड्रोजन के एटम का मास हो जाएगा 2 AMU, एक ऑक्सीजन का मास 16 AMU। इसलिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मतलब एक H2 के मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 18 AMU। सो गाइस, अपने को अब ये पता लग चुका है कि जो H2 मॉलिक्यूल है उसके सिंगल मॉलिक्यूल का मास 18 AMU होगा। लेकिन अगर अपने को H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता करना है तो अपने को H2 के वन मोल मॉलिक्यूल का मास बताना होगा, वो भी ग्राम्स की यूनिट्स में, राइट। सो अब अपने को पता होना चाहिए कि जो वन मोल होता है उसमें कितनी क्वांटिटी, कितने नंबर होते हैं। सो ये 6.022 जो एवोगैड्रो नंबर होता है 10^23, एक मोल में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो अपने पास इतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, राइट। सो अब अपन कैलकुलेट करना चाहेंगे मास ऑफ वन मोल H2O मॉलिक्यूल्स, और पहले इसको अपन पता करेंगे AMU में। सो अपने को पता है कि वन मोल मॉलिक्यूल का मतलब अपने पास कितने मॉलिक्यूल होंगे H2O के, 6.022 × 10^23, और एक H2O के मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU। सो गाइस, अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो मास हो गया वो वन मोल H2O मॉलिक्यूल का मास हो गया, लेकिन जो इसकी यूनिट्स होंगी वो एटॉमिक मास यूनिट्स AMU यूनिट होगी। लेकिन अगर अपने को ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता करना है तो जो मास हो वो ग्राम्स में होना चाहिए। इसलिए अपना नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अपन ये जाने कि 1 AMU को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सो 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.67 × 10^-24 ग्राम्स। अगर 1 AMU को आपको कन्वर्ट करना है तो 1 AMU इसके बराबर होना चाहिए, राइट। अपने पास 1 mol H2O का मास AMU में इतना है, सो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से। तो 6.022 × 10^23 मल्टीप्लाइड बाई 18 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1.67 × 10^-24। सो अपन ने इस क्वांटिटी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे अब यूनिट हो जाएगी ग्राम्स के। अब अपने को पता है कि ये जो नंबर है एवोगैड्रो नंबर, जब भी इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है 1.67 × 10^-24 जो कि 1 AMU होता है, इन दोनों नंबर के आपस में मल्टीप्लाई होने से अपने को मिलेगा 1। सो गाइज, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1 और अपना बचा रह जाएगा 18, जो यूनिट हो गई है वो
ग्राम्स। सो अपन ये बोल सकते हैं इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू 18 ग्राम्स। इसका मतलब जो H2 मॉलिक्यूल है उसका जो ग्राम मोलिकुलर मास है, मतलब H2O के 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो होगा 18 ग्राम्स, राइट। सो गाइस यहाँ पे सिमिलरिटी अपन ये देखेंगे कि जो H2 का मॉलिक्यूल है उसका सिंगल मॉलिक्यूल का मास 18 AMU और उसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम्स, जिसको अपन बोल रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो अपने इस डिस्कशन से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो H2 है उसके अगर एक अपन सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसका मास होगा 18 AMU, और अगर उसके 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स की अपन बात करेंगे तो उसका मास होगा 18 ग्राम्स। सो गाइस आपको सिर्फ ये यूनिट्स में ध्यान रखना है, अगर एक H2 के मॉलिक्यूल की बात करेंगे 18 AMU, अगर 1 मोल H2 यानी कि उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो सिंपली आपको AMU को हटा के लगा देना है ग्राम्स। अब अपन फॉर एग्जांपल बात करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो CO2 है इसमें इसके एक मॉलिक्यूल का अपन मास पता लगाते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास पता लगाते हैं। तो इसमें एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम है। कार्बन एटम का जो मास होता है वो 12 AMU होता है और ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU। जब इसको 16 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये आएगा 44 AMU। इसका मतलब जो CO2 है उसके 1 मोलिक्यूल सिंगल मोलिक्यूल का मास है 44 AMU, और CO2 के अगर 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास अपन पता लगाएंगे, दैट इज CO2 का अगर ग्राम मोलिकुलर मास अगर अपन पता लगाएंगे तो वो हो जाएगा 44 ग्राम्स। इस तरीके से अपन ग्राम मोलिकुलर मास को डिफाइन करते हैं। तो गाइस आपको बस ये टाइटल याद रखना है, ग्राम मोलिकुलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स, और इसकी जो यूनिट है वो ग्राम्स में होनी चाहिए। सो गाइस आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया, वीडियो लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।